हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो एमसीयू वन हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम यूनिट वन एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड दिस वीडियो। तो इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में दे रखा है, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होंगे मेजर चेंजेस जो कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपकी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फेस कर रही हैं, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स के बारे में जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। तो दो टॉपिक्स हैं बेसिकली जो कि डिस्कस होंगे, एक तो मेजर चेंजेस जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होंगे और सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एंड दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज गिवन इन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। क्वेश्चन वॉज डू यू थिंक दैट रैपिड चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस दीज चेंजेस एंड एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी ईजी क्वेश्चन है इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन एज पर मी, बट आप सभी को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे दूंगा यहाँ पर इस वीडियो में जिससे कि आप अपने जो आंसर है उसको अच्छे से फ्रेम कर पाओ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आपको समझ में आए। एंड हमारा जो मिशन है विच इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर इट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अचीव इट। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन दोनों हमारे जो टॉपिक्स हैं या दो क्वेश्चन जो कि हमारे इस पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी हेल्प हो पाए। नाउ जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, डू यू थिंक दैट रैपिड चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस दीज चेंजेस। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या रैपिड जो चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या उससे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, अगर हुआ है तो आपको डिस्कस करने हैं उन चेंजेस के बारे में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर राइटिंग योर आंसर प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर में यस दिस इज ट्रू दैट द रैपिड चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी अगर हम बात करें तो उन पर ये बात सही है कि जो रैपिड चेंजेस हुए हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उनसे काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है उन सभी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, यानी कि चेंजेस जो हुए हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उनसे फर्क पड़ा है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब कौन कौन से वो चेंजेस हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड उन चेंजेस के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पे अटेंशन, आई विल गिव यू द पॉइंटर्स, आप सुनिएगा पॉइंट को समझ लीजिएगा और अपने वर्ड्स में इनको आप अच्छे से लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पैटर्न चेंज करा, मैंने आपको आंसर नहीं दिया बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। वैसे आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो आपको समझने हैं। तो सबसे पहला जो आपका चेंज देखने को मिला है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी कि गला काटने वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है आज के टाइम में। तो जो इकोनॉमी है आज की डेट में अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है वो बिकम इट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर हमने मेंशन किया कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन ड्यू टू द इकोनॉमिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नाउ द इकोनॉमी हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, हैज टू बीट द कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया हमारा सबसे पहला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड चेंज दैट यू कैन सी इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड दैट इज
फोकस ऑन एक्सेलेंस एंड क्वालिटी। तो अब जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब कस्टमर्स को तो अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, तो अब उन्हें एक्सेलेंस पर फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल आपके नॉर्म्स हैं, डोमेस्टिक लॉज हैं, अब कई सारे लॉज हैं आपके, अब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं तो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ रहा है। डोमेस्टिक जो आपके लॉज हैं वही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, और इस वजह से अब आपको जो प्रोडक्ट बनाने होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप एक परफेक्ट सर्विस दें, एक्सेलेंट सर्विस दें, एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट बनाएं जो कि क्वालिटी में भी अच्छा हो। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिला है, सेकंड चेंज इज कि आप फोकस ज़्यादा करना पड़ता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेलेंस एंड क्वालिटी पर। नाउ थर्ड चेंज दैट वन कैन सी इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो अब मार्केट में कम्पीट करने के लिए, एक तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना पड़ेगा। नाउ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट के बाद में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्राइस है वो अफोर्डेबल हो कस्टमर को, नहीं तो कोई कॉम्पिटिटर आके आपके सारे कस्टमर्स को ले जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपका ज़्यादा अच्छा बिकता है उसको एक ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करें, और जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन का। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस जो होंगे मार्केट के, उससे भी कम में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट तो देना ही है, साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइस भी जरूरी है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं नाउअडेज, दे आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। तो आपस में वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिल जाती हैं ताकि ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सके और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो ये भी चेंजेस देखने को मिले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नाउ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अब मर्जर करना शुरू कर दिया, एक्विजिशंस शुरू हो गए, टेक ओवर शुरू हो गए। पास्ट में ऐसा नहीं होता था, मर्जर्स, एक्विजिशंस और टेक ओवर्स नहीं देखे जाते थे। अब मर्जर बेसिकली क्या है, मर्जर में आपका दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, मर्जर हो गया। कभी कभी ऐसा भी देखा गया, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्वायर कर लेती है एक वीक ऑर्गेनाइजेशन को, या खुद वीक ऑर्गेनाइजेशन उस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे केस में होगा तो वो मर्जर हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग अगर वीक को खरीद ले तो बेसिकली एक्वायर हो जाता है, एक्विजिशन। और कभी कभी टेक ओवर्स भी हो जाते हैं जिसमें आप क्या करते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अब शेयर्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, 51% शेयर जिसके पास भी होंगे प्राइवेट कंपनी के, तो वो ओनर बन जाएगा। तो ऐसे टेक ओवर्स भी देखे गए हैं आज के टाइम में, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वन कैन एनकाउंटर। और मोस्टली केसेस में अगर बात करूं, मर्जर्स, एक्विजिशन एंड टेक ओवर आर बीइंग डन इन ऑर्डर टू एंजॉय द बेनिफिट, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बीइंग बिग। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन कैन गेट और एंजॉय, यू कैन से मोर इकोनॉमिक बेनिफिट। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, आप बल्क परचेजेस कर सकते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकते हैं, जितना ज़्यादा मार्केट होगा उतना कवर अप कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा साइज उतना ही आपके पास में एक अपर एडवांटेज होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अब अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो पहले के टाइम में आपका कंप्यूटर्स वगैरह का इतना यूज नहीं होता था, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी। बट नाउअडेज मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस, आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट जो चेंज आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो है रिलेटेड टू द चेंज इन वर्कफोर्स कंपोजिशन और रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर्स का यूज करना स्टार्ट हुआ, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट, एक सडन सडन डिक्रीज मिला है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सडन डिक्रीज इन दी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट।
हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स थी उसकी रिक्वायरमेंट में कमी आ गई है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी ह्यूमन रिसोर्स की, पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होती थी। अब एक मशीन लगा दो आप, एक मशीन पे एक आपका वर्कर काम करेगा और वो लगभग 10 वर्कर्स के बराबर का आपको प्रोडक्टिविटी दे देगा। तो ये चेंजेस आने आए हैं जो कि एक इंडिविजुअल नोटिस कर सकता है इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नाउ बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो आप चेंज देख सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है सर्विस सेक्टर को। पहले ये था कि इनिशियली जब आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्रिएट हुई, तब ज्यादातर फोकस जो होता था वो होता था मैन्युफैक्चरिंग पर, ठीक है, या प्रोडक्शन पर। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर था वो एक अपर हैंड रखता था बाकी एग्रीकल्चरल और सर्विस सेक्टर को, बट नाउ शिफ्ट देखा गया है और सर्विस सेक्टर इज नाउ टॉपिंग द चार्ट। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर सर्विस सेक्टर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो चेंज देख सकते हैं या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अब ऑर्गेनाइजेशन फोकस करने लगी हैं प्रोडक्ट इनोवेशंस पर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस पर। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना नेम एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो इसीलिए नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया जाने लगा है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाने लगा है। अपना आपका प्रोडक्ट, यू नो योर प्रोडक्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसके लिए भी अब फोकस किया जा रहा है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। पहले क्या था, पहले इतने प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, अलग अलग कंपनीज नहीं होती थी, तो आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो जेनरिक प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट्स आपके सेल हो जाते थे, लेकिन अब जेनरिक प्रोडक्ट्स नहीं है, अब एक पर्टिकुलर ब्रांड है, ब्रांड इमेज पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और उस ब्रांड इमेज को पॉलिश किया जाता है जितना होता है उसको, और यू नो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो जो फोकस है अभी आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अब फोकस करती हैं नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने पे। अब यू कैन सी इवन एवरी मंथ और एवरी वीक यू कैन सी अ लॉन्च ऑफ अ न्यू फोन, खास तौर पे स्मार्टफोन्स की बात करें, नए फीचर्स के साथ में कुछ ना कुछ इनोवेटिव उसमें चीज ऐड करके कंपनीज आर लॉन्चिंग। ओके, ये चेंजेस आपको देखने मिलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट अब जो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज का, पहले कंज्यूमर को ट्रीट नहीं किया जाता था इतना किंग के तौर पर, बट नाउ अडेज कंज्यूमर इज लीडिंग द मार्केट, कंज्यूमर्स आर बीइंग ट्रीटेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी हो गई है, कंज्यूमर्स पर अब ज्यादा फोकस दिया जाता है, कंज्यूमर जो भी है वो डिफाइन करता है। अब पूरा जो गेम है मार्केट का, द एंटायर गेम ऑफ द मार्केट, गेम ऑफ द मार्केट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द कंज्यूमर्स। पहले क्या होता था, पहले जो प्रोड्यूसर्स थे या फिर मैन्युफैक्चरर्स थे, दे यूज टू लीड द गेम, दे यूज टू यू नो क्रिएट द रूल्स ऑफ द गेम। अभी ये हो चुका है, कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो अगर आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, एज अ किंग ट्रीट नहीं करेंगे मार्केट में, तो कंज्यूमर विल ड्रॉप योर प्रोडक्ट एंड विल चूज समवन एल्स प्रोडक्ट। और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिला, तो अभी आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारा जो चेंज देखने को मिला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो है रिलेटेड टू सप्लाई चेन। तो अभी जो सप्लाई चेन्स हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन द पास्ट, उनकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। अब ये इसलिए है क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं, नए नए कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि इन्वेंट्री को आप मैनेज करके रखिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लीजिए, जरूरत के टाइम पे आप मंगा लीजिए। तो इसीलिए सप्लाई चेन को और फास्ट कर दिया गया है ताकि सडन और ग्रोइंग जो डिमांड्स है कंज्यूमर्स की, उनको टाइमली मीट किया जा सके। अब टाइम इज ऑफ एसेंस नाउ, टाइमली चीजों को मीट किया जा सके अपने स्टिफ कॉम्पिटिशन को। अब जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही स्टिफ होता जा रहा है, जो कि हमने देखा स्टिफ और यू कैन से कट थ्रोट हो रहा है। तो अपने स्टिफ कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए और टाइम अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए सप्लाई चेन्स को भी और फास्ट किया गया, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन
encounter in the environment. नाउ लास्ट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस में वो है ग्लोबलाइजेशन. तो पहले के टाइम में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बट आज के केस में अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का रोल काफी बढ़ता जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है और हर एक इकोनॉमी को ये फेस करना पड़ रहा है. एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस इट. नाउ वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, हैज टू फेस इट. And now the world is becoming a global village. World is becoming a global village. And now any organization can do business in any part of the world. And इसकी वजह से जो globalization है वो देखा जा रहा है और इससे भी competition बढ़ रहा है. तो ये थे major changes. Globalization पहले इतना नहीं था, अब बढ़ गया, उसकी वजह से MNCs के concept बढ़े. अब ये थे मेजर चेंजेस, आई होप आपको समझ में आए होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सैलिएंट फीचर्स. अब हमारा दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, अब हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स क्या है. फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के. एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या खास पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, विल टॉक अबाउट. नाउ सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पैक्ट इन साइज है, लार्ज इन मार्केट शेयर है. अब कॉम्पैक्ट इन साइज का मतलब बहुत तो स्मॉल है आजकल की ऑर्गेनाइजेशन इन साइज, स्मॉल इन साइज. अब स्मॉल इन साइज का कहने का मतलब है कि जितना हो सके आप ऑर्गेनाइजेशन को छोटे 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 एरियाज में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया. वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया, किसी भी दुनिया के पार्ट में हो आप वहां से बैठ के काम कर सकते हो. तो इसीलिए जो इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न वो कैसी है, स्मॉल इन साइज है. लेकिन अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का कॉन्सेप्ट आया तो वो जो मार्केट शेयर का कैप्चर कर सकते हैं वो बहुत बड़ा होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अमेज़न की बात कर लीजिए. अमेज़न अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई भी लेकर नहीं चल रहा, ठीक है. उसके कुछ वेयर हाउसेज हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं. तो बहुत ही लिमिटेड वेयर हाउसेज के साथ भी अमेज़न इज कैप्चरिंग अ वेरी बिग मार्केट, ठीक है. इसने बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है विद द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक ई कॉमर्स की वेबसाइट से. तो इस चीज को ध्यान दीजिए, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पैक्ट है साइज में और बहुत ही बड़े मार्केट को कवर अप करके रखी हुई है. ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है. तो पहले ही जो हमारी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते थे टॉल. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है. जैसे एक सीईओ है, ये आपका टॉप पे है, उसके अंडर फिर आपके कई मैनेजर्स होंगे, उन मैनेजर्स के अंदर कई एम्प्लॉयज होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके अंदर कई सबऑर्डिनेट्स होंगे. तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो पहले चलते थे टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट हो. अब इसके पीछे रीजन क्या है, कम्युनिकेशन फास्ट हो, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, और इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन फास्ट हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फास्ट हो. तो इन सब के लिए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट होता है. तो थर्ड, अब बात करेंगे थर्ड हमारा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है वो है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर टेक्निकल स्किल्स. तो जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो अब ज्यादा अटेंशन दे रही है, ज्यादा डिमांड कर रही है टेक्निकल स्किल्स की. दे आर नाउ बिकमिंग एक्चुअली द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी वर्क फोर्स वो हायर कर रही है, दे वॉन्ट दैट वर्क फोर्स To be specialized, ठीक है, to be specialized in their task. जो भी आप काम कर रहे हो, best in the industry they want. Best in the industry they are looking for. तो demand जो है technical skills की, that is going high in the modern organization. Now next point we have is focus on customer satisfaction and increasing shareholders value. तो modern organizations जो है उनको अब
कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है. जैसा कि हमने पढ़ा था मेजर चेंजेस में, कस्टमर इज ट्रीटेड एज द किंग ऑफ द मार्केट. तो किंग को आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे तो आप मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते. साथ ही साथ आप कस्टमर के अलावा आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करने पर भी फोकस करना पड़ेगा. शेयर होल्डर्स जो बेसिकली आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके शेयर्स को परचेज करके रखे हुए हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट मैक्सिमम रिटर्न फॉर द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड, अदरवाइज दे विल टेक द अमाउंट बैक, राइट. तो कस्टमर से पैसा आएगा जो कि आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा, बट शेयर होल्डर्स एक्चुअली हेल्प करेंगे आपको वो पैसा ऑब्टेन करने में, जिससे आप अपने जो बिजनेस है उसको रन कर पाएंगे, अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. तो दोनों पर ही ध्यान देना है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी और शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करने पर भी. नाउ नेक्स्ट हमारा जो सैलियंट फीचर है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का, वो है यूजेज ऑफ न्यू वर्क मेथड लाइक फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी प्लेस. तो नए नए वर्क कॉन्सेप्ट आपके जो है वर्क मेथड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि जो वर्क फोर्स है वो इंक्रीज कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी. देखिए पर्पस यही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और दूसरा उनको मोटिवेट करना और उनको सेटिस्फाइड रखना. अब सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने से काम नहीं होता, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के केस में आपको अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कफोर्स को भी सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा. ठीक है, आपका जो वर्कफोर्स है या फिर आपके एम्प्लॉइज हैं उनको सेटिस्फाइड रखना भी इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए आपका फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी प्लेस के कॉन्सेप्ट आते हैं. अभी फ्लेक्सी टाइम क्या है? फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग और फ्लेक्सी प्लेस का मतलब है फ्लेक्सिबल प्लेस. जैसे कि आपका ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट में आप अपने घर से काम कर सकते हो, अपनी पसंद के टाइम पे काम कर सकते हो. आपकी अपनी पसंदीदा टाइमिंग चूज कर लो, अपनी पसंदीदा प्लेस चूज कर लो, बट जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करो. दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. पहले ये होता था 9 आवर्स की शिफ्ट है, आप जाके काम करो वहाँ पे कंपनी या फैक्ट्री में और अपना प्रोडक्टिविटी अपना वहाँ पे दो, पूरे टाइम लगे रहो, आप थके हो, आप मूड में हो या नहीं हो, यहाँ पे आप अपने मूड और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में. अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ओरिएंटेशन पर भी फोकस दे रही है. नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी बेसिकली, राइट. दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफरिंग. और ये आपको पता है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं रहेंगे तो कॉम्पिटिशन को मीट नहीं कर पाएंगे, और अपने जो कंपटीशन मीट नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कंपटीशन मीट नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे. नाउ बात करेंगे अब हम अगले पॉइंट की, तो इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस टू मिडल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओल्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस देती थी टॉप मैनेजमेंट को या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, बट जो आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है दे आर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू मिडल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ जो ग्रोथ है कंपनी की उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नाउ हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज एम्फेसिस ऑन बिजनेस एथिक्स फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. देखिए पहले बिजनेस होता था, कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इट वॉज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट प्रीवियसली इफ आई टॉक अबाउट इन द पास्ट, बट नाउ अ डेज देर आर मेनी मेनी रूल्स, देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स. तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए बिजनेस में एथिक्स का होना, एथिकल वैल्यूज का होना, मोरल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है. आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस एथिक्स फॉलो करने होंगे, नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो इफ देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फॉलोइंग बिजनेस एथिक्स, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट इन केस इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोइंग द बिजनेस एथिक्स, इट विल नॉट बी इजी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज्ड क्रॉस कल्चरल इश्यूज एट वर्कप्लेस. अब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, ठीक है, एमएनसीज आ रही हैं, एमएनसीज में यार जो डिफरेंट कल्चर
different culture and different societies. और इसके अलावा बात करूं तो different traditions, ठीक है, different traditions and different religion, different religions, इन सभी अलग अलग जगहों से क्या होता है, आपका वर्क फोर्स आता है. अब अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग जब आकर एमएनसी का पार्ट बनेंगे, यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं क्रॉस कल्चरल इश्यूज होंगे, आपस में जो कल्चरल इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे. तो ये भी आपका एक सैलियंट फीचर है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का, कि अलग अलग कल्चर के लोगों को, अलग अलग रिलीजन के लोगों को, अलग अलग सोसाइटीज के लोगों को एक प्लेस पर काम कराया जाता है, जिससे कि क्रॉस कल्चरल इश्यूज भी देखे जाते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, आउटसोर्सिंग ऑफ रिपीटेटिव नेचर वर्क और टास्क. तो आउटसोर्सिंग हमारा किया जा रहा है, जितने भी रिपीटेटिव नेचर के काम है या टास्क है हमारे, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर की वर्क टास्क जितने भी हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है. तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है. आउटसोर्सिंग का मतलब किसी काम को जो कि आपका रेगुलर बेसिस पर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उसको किसी और को दे देना. लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें उनको क्या है, क्लीनिंग का काम कराना होता है, यानी ऑफिस की क्लीनिंग करानी है. अब एबीसी लिमिटेड बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उनका काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है. अब वो क्लीनिंग का काम तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जी लिमिटेड, जो कि बेसिकली इसी काम के लिए परफेक्ट है. उनका काम है क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कंपनीज को. तो उन्होंने क्या करा, एबीसी लिमिटेड ने हायर कर लिया एक्स वाई जी लिमिटेड को कि वो इनकी कंपनी का जो भी क्लीनिंग का टास्क है वो कर ले, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसके काम को फोकस कर सके, ठीक है. ऐसी जितने भी टास्क हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं, रिपीटेटिव नेचर के जितने भी टास्क होंगे. नाउ अब हमारा लास्ट पॉइंट जो रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस. तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीज इंपॉर्टेंस दे रही है इंडिविजुअल लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी मॉडर्न है उनको पता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके, अगर वो खुद डेवलप नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए आपका काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयज के इम्प्रूवमेंट पर, और साथ ही साथ में इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे ग्रो करे, कौन से मेथड्स या टेक्निक्स को वो यूज करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो सके, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सके, वो भी नई नई चीज़ों को मैनेज कर पाए, चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर पाए, तो ये भी किया जा रहा है. तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आपकी इम्पोर्टेंस दे रही है आपके इंडिविजुअल लर्निंग को एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग्स को भी. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी. टेक्नोलॉजी बदल रही है, डिमांड बदल रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है. तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.